नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में। निकाय चुनाव के लिए हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में जन लोक कल्याण पत्र सामने आने वाला है। भाजपा संकल्प पत्र के जरिए स्मार्ट सिटी, हर घर नल जैसे मुद्दे शामिल होंगे। वही आवासहीन परिवार को आवास उपलब्ध कराने जैसी घोषणाएं इस संकल्प पत्र में हो सकती है। भाजपा ने संकल्प पत्र तैयार करने के लिए टीम गठित की है, तो वही निकाय चुनाव को लेकर संकल्प पत्र आने वाले हैं, जिसको लेकर भाजपा ने टीम गठित की है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में हर घर नल योजना, आवासीय योजना को लेकर तैयारी बना रही है, जिसके लिए भाजपा ने संकल्प पत्र के तैयार करने के लिए टीम गठित की है। निकाय चुनाव को लेकर सारी पार्टियां जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं पार्टियों के तरफ से संकल्प पत्र आने वाला है, जिसको लेकर भाजपा के तरफ से कहा जा रहा है कि हर घर नल योजना को उठाया जाएगा, आवासीय योजना का उठाया जाएगा। वहीं निकाय चुनाव को लेकर पूरी पार्टियां जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी के तरफ से टीम गठित कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, जन कल्याणकारी पत्र जो है बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जो है जारी कर दिया गया है। जी नंदनी, आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पर गिना जा रहा है, और वहीं सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा और विधानसभा के तर्ज पर निकाय चुनाव में भी लोक संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। आपको बताया कि इसको लेकर जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं, और आने वाले दिनों में जो तमाम मतदाता हैं उनके सुझाव के आधार पर लोक संकल्प पत्र बनाया जाएगा। आपको बताया कि आज भारतीय जनता पार्टी में निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज एक बैठक की गई, जिस बैठक में दूसरे फेज के जो तमाम जिले हैं जहां चुनाव हो रहा है वहां के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया, और लोक संकल्प पत्र में जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनके विचार भी जाने गए। इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी लोक संकल्प पत्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जारी करती है। ठीक वैसे ही जहां पे भी जो भी मेयर होगा, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में इस बार 17 सीटों पर मेयर के चुनाव हो रहे हैं, 17 नगर निगम मौजूद हैं। इन सब नगर निगमों में जो प्रमुख समस्याएं होंगी उनको संलग्न कर और संकल्प पत्र बनाया जाएगा, और उसको कहीं ना कहीं चुनाव में जीतने के बाद जहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां पर इस संकल्प पत्र में किए गए वादों को जमीन पर उतारने की प्रयास किए जाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि निकाय चुनाव को लोकसभा और विधानसभा चुनाव के तर्ज पे लड़ा जा रहा है राजनीतिक दलों के द्वारा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने लोक संकल्प पत्र में किन किन मुद्दों को रखती है वो संकल्प पत्र जारी होने के बाद साफ हो पाएगा। मगर बात करें तो केंद्र सरकार की प्रभावशाली योजना स्वच्छ भारत अभियान को लेकर कई बड़े वादे किए जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो शहरों के अंदर में जो तमाम जाम हो की समस्या हो, या बात करें तो नगरों के अंदर में बसों की, इलेक्ट्रिक बसों के कहीं ना कहीं विकास का कार्य हो, इन सब क्षेत्रों में काम किया जाएगा। जी विभांशु, देखिए जन कल्याणकारी मुद्दों के सहित संकल्प पत्र बीजेपी जो है जारी करने वाली है। इसी के साथ बीजेपी लगातार कह रही है कि वो अब जो है नगर निगम चुनाव को लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने वाली है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अगर देखें तो केंद्र के बाद राज्य में डबल इंजन की सरकार कही जाती है, यानी कि केंद्र में सरकार है और अब उत्तर प्रदेश में सरकार है, तो इसको डबल इंजन की सरकार कही गई थी। उसके ठीक बाद अब भारतीय जनता पार्टी एक नया नारा दी है कि निगम चुनाव जीतने के बाद हम ट्रिपल इंजन की सरकार बनाएंगे, और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उनका कहना है कि अगर प्रदेश के अंदर में और केंद्र में सरकार है और निगम में भी सरकार होगी तो विकास कार्य तेजी से हो सकेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का दावा है। अब देखने वाली बात होगी कि पहले फेज का मतदान
आने वाले 4 तारीख को होना है और आज पहले फेज के नामांकन में नाम वापस लेने की आखिरी तिथि है और जल्द ही दूसरे फेज के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा, जिसको लेकर बैठक की जा रही। तब देखने वाली बात ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरे एक डिजिटल तरीके से ये चुनाव लड़ रही है, जिसमें बात की जाए तो प्रत्याशियों को सभी राजनीतिक दल, खासकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि सोशल मीडिया टीम बनाकर और जो भी प्रत्याशी के बाइट्स हैं, बयान हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचाया जा सके। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवांशु। निकाय चुनाव की रणनीति तैयार हो चुकी है। सभी पार्टी अपनी अपनी तरफ से चुनावी मैदान में जोरों शोरों से लगी हुई हैं। दरअसल यूपी में निकाय चुनाव 2 चरणों में होने वाले हैं। निकाय चुनाव में सीधी टक्कर बीजेपी और सपा के बीच मानी जा रही है। इसी बीच कई बगावती सुर भी देखने को मिल रहे हैं। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बगावत कर दी है और शफीकुर रहमान बर्क ने सपा प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया है। सपा ने रुखसाना इकबाल को टिकट दिया है, लेकिन बर्क ने यासीन सैफी की पत्नी और निर्दलीय उम्मीदवार फरहान सैफी का समर्थन किया है। वो अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार शफीकुर रहमान जो है समाजवादी पार्टी से ही बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव में सपा और बीजेपी में सीधी टक्कर है, लेकिन समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह देखने को मिल रहा है। बता दें कि शफीकुर रहमान जो है समाजवादी पार्टी से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। संबल का जातक तालुका असंबल का फैसला हम चाहते हैं कि जो पैसा गवर्नमेंट से आता है वो पैसा आवाम के काम के लिए सड़कों पर, नाली पर और जितने भी जरूरी काम है, बिजली पर, पानी पर तो खर्च होता नहीं बल्कि लोग खा जाते हैं। हमने ये उम्मीद करते हुए कि यासीन सैफी बहरहाल ईमानदारी से काम करेंगे और इसी बुनियाद पर हमने उनको टिकट डिक्लेयर किया है और ये नहीं देखा हमने कौन मालदार है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, बल्कि हम चाहते हैं कि जीत सच्चाई की हो, ईमानदारी की हो। ईमानदारी और सच्चाई की जीत के लिए हमने एक अवामी आदमी को पेश किया। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विवेक शाही जुड़ेंगे। विवेक, नगर निगम चुनाव को लेकर, टिकट को लेकर हर पार्टियों में जो है वहां पर अंतर्कलह देखा जा रहा है, गुटबाजी देखा जा रहा है, लेकिन शफीकुर रहमान जो कि हमेशा अपनी बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, इस बार वो समाजवादी पार्टी से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि संबल से जो है और समाजवादी पार्टी के सांसद जो है उन्होंने फिर से अपनी बगावती तेवर जो है वो अपनी पार्टी को दिखाना शुरू कर दिया है। इसके पहले भी बर्क ये कहती है कि ये पहले भी कहा जा चुका था कि पार्टी सांसद या विधायक कोई भी हो, उनके परिवार को किसी वक्त को इस निकाय चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर टिकट बांटा है उसके बाद से वर्ष जो है निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी जो है शफीकुर रहमान बर्क को मनाने में कामयाब होती है या फिर बर्क जो है इस प्रकार से निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस प्रकार से समाजवादी पार्टी इस आंदोलन कहल को टैकल करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी का थोड़ा बहुत नुकसान तो जरूर करेंगे। मुसलमान जो वोट है, जो मुस्लिम वोट है, उसमें बंटवारा देखा जा सकता है और जो दूसरी पार्टियां हैं उनको इसका फायदा भी मिल सकता है। इस प्रकार की प्रयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो वक्त से बात करेगी, मनाने का कोशिश भी करेगी ताकि जो है ये अंदरूनी कहल जो है उसको काम किया जाए। विवेक, पिछले अगर सालों की बात करें तो कोई भी चुनाव उसमें देखा जाता है समाजवादी पार्टी में अंदर ही अंतर्कलह शुरू हो जाता है, तो कितना चुनौतीपूर्ण है समाजवादी पार्टी के लिए ये नगर निगम चुनाव? देखिए,
ये तो पहला मामला नहीं है, कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के ऐसे हैं जो काफी अरसे से टिकट के टिकट की कयास लगा रहे थे, टिकट की इंतजार में थे, लेकिन उनको इस बार टिकट नहीं मिल रहा है। जब टिकट को वितरण चल रहा था तो सपा कार्यालय पे लगातार भीड़ थी, अलग अलग जनपदों पे लोग आ रहे थे और हाईकमान से मिलने की बात कर रहे थे, टिकट के लिए अपील कर रहे थे, लेकिन ऐसे कई प्रत्याशी है जिनको टिकट नहीं मिला है और उन सभी प्रत्याशियों की नजर से बहुजन समाजवादी पार्टी की तैनी हो रखी थी और जिन भी प्रत्याशियों को भाजपा या सपा से टिकट नहीं मिला है उनको बहुजन समाजवादी ने उम्मीदवार बनाया, मैदान में उतारा है। तो मैं आपको बता दूं कि निकाय चुनाव एक ऐसा चुनाव है जहां सिंपल से अलग तरीके की चीजें देखी जा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि निर्दल प्रत्याशी जो है वो बाजी मार ले जाता है और सिंपल से लड़ने वाले प्रत्याशी को मात देखने को मिलती है। निकाय चुनाव क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ठीक है कि ऐसा चुनाव है जिसमें हर पार्टी जो अपनी मैच प्रैक्टिस कर रही है, क्योंकि बड़ा मैच उसको 10 महीने बाद लोकसभा में खेलना है। ऐसे में ये जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि पिछले 6 साल से वो उत्तर प्रदेश की राजनीति से सत्ता से बाहर है और इस बार तीसरेपन की कवायद जो अखिलेश यादव कर रहे हैं उसके लिए निकाय चुनाव में अधिक से अधिक सीटें जीतना काफी महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से अंदरूनी जो कला है उससे समाजवादी पार्टी को दूर रहना चाहिए और कोशिश करेगी हाईकमान जितने भी नाराज प्रत्याशी है या फिर शफिकुर रहमान बट जैसे जो लोग हैं जो खिलाफत कर रहे हैं निर्दल प्रत्याशी को समर्थन दे रहे हैं उनसे बातचीत हो सके। विवेक क्या, लेकिन जिस तरीके से शफीकुर रहमान ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तो क्या कुछ इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है? हाँ देखिए बिल्कुल नुकसान क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो सीट है वो मुस्लिम बाहुल सीट कही जा रही है और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, निर्दलीय प्रत्याशी जिसको समर्थन बल दे रहे हैं वो भी मुस्लिम कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का बंटवारा साफ तौर पर देखा जा सकता है जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। सपा रालोद के गठबंधन को लगता है किसी की नजर लगती ही जा रही है। दरअसल मेरठ की मवाना सीट को लेकर दोनों में थोड़ी ही तल्खियां नजर आ रही हैं, जहां एक तरफ आरएलडी ने अयूब कालिया को मैदान में उतार दिया तो वहीं सपा ने अमीर आजम को मैदान में उतार दिया है। तो एक बार फिर से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच जो है गठबंधन में तकरार देखने को मिल रही है। बता दें कि मेरठ के मवाना सीट को लेकर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच तकरार जो है लगातार देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता राजन सोनकर जुड़ेंगे। राजन, देखिए लगातार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आरएलडी के बीच अभी कुछ थोड़े दिन पहले एक ट्वीट करके समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा गया था कि उनके बीच सब कुछ अब ठीक है, समाजवादी पार्टी जो है आरएलडी का समर्थन करेगी, लेकिन मेरठ के मवाना कुछ सीट को लेकर एक बार फिर से तकरार देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए मयूरी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन हुआ था उस पर नजर बिल्कुल लग गई, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और उत्तर प्रदेश के मेरठ ही नहीं तमाम जिलों में रालोद और समाजवादी पार्टी के बीच में नोकझोंक चल रही है और इसका सीधा सीधा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है, क्योंकि मवाना ही नहीं मुजफ्फरनगर, मोदी नगर, सहारनपुर तमाम जिलों में जो सीटें हैं उन सीटों पर, अधिकांश सीटों पर सपा ने अपना अलग प्रत्याशी उतारा है और रालोद ने अपना अलग प्रत्याशी उतारा है। वहीं अगर मेरठ की बात करें तो मेरठ की मवाना सीट पर निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष अयूब कालिया जो निवर्तमान अध्यक्ष थे उन्हें रालोद से टिकट मिला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इनसे पहले दूसरे प्रत्याशी को उतार दिया है। फिलहाल इस विषय को लेकर रालोद की मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में यही कुछ होने वाला है कि क्या समाजवादी पार्टी अपना फैसला वापस लेगी और मेरठ से लेकर लखनऊ तक इसी बात को लेकर चर्चा है। रालोद के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, उनका साफ तौर पर यही कहना है जब हमारी बात हुई थी कि समाजवादी पार्टी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए, कि जब रालोद ने अपना प्रत्याशी उतार लिया है और गठबंधन की बात हुई है तो गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव उसके तहत काम क्यों नहीं कर रहे हैं। फिलहाल मवाना में जो निवर्तमान अध्यक्ष को रालोद ने टिकट दिया है और महापौर प्रत्याशी बनाया है तो कहीं ना कहीं काफी वोट वो लेंगे, लेकिन इनके बीच में टकरार को देखते हुए
पूरा पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी साफ तौर पर यही कह रही है कि गठबंधन तो इनसे संभाला नहीं जा रहा, ये हमारा मुकाबला क्या करेंगे। अब देखना यह है कि मवाना सीट को लेकर या तमाम जितनी भी सीटें हैं उसको लेकर क्या कुछ निकल के रिजल्ट आएगा सामने। जी मयूरी, जिस एकजुटता की बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी और आरएलडी को लेकर, कहीं ना कहीं देखिए अब अंतरकलह जो है वो शुरू हो चुकी है, तो क्या लगता है जयंत चौधरी इस पर कुछ एक्शन लेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे कि मैंने बताया रालोद की एक मीटिंग चल रही है और मीटिंग में कार्यकर्ताओं से जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि इस मीटिंग में ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर निर्णय लिया जाएगा और ये मामला जयंत चौधरी तक भी पहुंच चुका है, तो बहुत जल्द जयंत चौधरी की तरफ से भी कुछ ना कुछ निर्णय लिया जाएगा, कोई ना कोई आदेश लागू होगा, तो उस आदेश का इंतजार रालोद के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और जैसे कोई निर्णय होगा वो हम भी प्राइम टीवी के माध्यम से दर्शकों को दिखाएंगे। मयूरी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजन। उमेश पाल हत्याकांड का मोस्ट वांटेड आरोपी गुड्डू मुस्लिम अब तक फरार है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दे रही है। इन सब के बीच गुड्डू मुस्लिम का लेटर वायरल हो रहा है। ये वायरल लेटर गुड्डू मुस्लिम द्वारा लिखा हुआ बताया जा रहा है। इसमें वो एनकाउंटर पर PIL दाखिल करने वाले अधिवक्ता को धमकी देते दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर लेटर वायरल होने पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। सभी मीडिया बंधुओं को सबको अनुरोध करता हूं और सरकार से भी, मेरा नाम देवेंद्र तिवारी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान मंच। कल रात में मेरी गाड़ी में एक चिट्ठी मिली, गाड़ी के पीछे वाइपर में लगा रखी थी किसी ने, जिसमें गुड्डू मुस्लिम द्वारा मुझे धमकी दी गई और कहा गया कि 20 लाख रुपये आज पहुँचा दो नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। और बड़ा विस्तृत लेटर बड़ा है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का भी नाम है और अमिताभ यस्सर का भी नाम है। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, प्रशासन से इसके गंभीरता से लेते हुए इस पर कड़ी कार्रवाई करें, जो लोग हैं उनको पकड़ा जाए और मुझे भी उचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। हाँ, मैंने टीवी के माध्यम से अन्य माध्यमों से पता चला है, वो टीवी पे तो रेगुलर वो चल रहा है कि मोस्ट वांटेड है, उसका इनाम भी चल रहा है उसके ऊपर 5 लाख रुपये का। इसलिए सरकार भी और प्रशासन भी इसको गंभीरता से ले और जो संभव हो सके वो मदद करे। मैं देवेंद्र, ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद कलीम, एक लेटर जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, कहा जा रहा है धीरेंद्र तिवारी के लिए ये लेटर है जो कि गुड्डू मुस्लिम की तरफ से दिया गया है। किसी तलाश SPF लगातार कर रही है लेकिन वो SPF की गिरफ्त से दूर है। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से एक लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और जब लेटर किसी और को नहीं बल्कि देवेंद्र तिवारी जिन्होंने अपना वीडियो भी वायरल किया जिसमें उन्होंने सरकार से और पुलिस प्रशासन से गुहार भी लगाई है, लेकिन जो इसमें बड़ा सवाल है, सवाल ये है कि जिस तरीके से देवेंद्र तिवारी के द्वारा ये पहला लेटर नहीं वायरल किया गया, इससे पहले भी कई लेटर वायरल किया गया जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि उनको कई बार धमकियां मिली है गौकशी के मामले में, क्योंकि इनके द्वारा लगातार गौकशी के मुद्दे को उठाया जाता था, क्योंकि ये अपने आप से राष्ट्रीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताते हैं और गौकशी के मामले को लगातार उठाते ही चले आ रहे हैं। गौकशी के मामले में लेकर के इन्होंने कई बार PIL भी दाखिल करने की बात कही थी, जिसको लेकर अब जो लेटर वायरल हुआ है इस लेटर में साफ तौर पर जो दर्शाया गया है बटलर स्लॉटर हाउस है, इस स्लॉटर हाउस को लेकर के जो बातें सामने आ रही है कि इसके द्वारा जो लगातार इस मामले में इस स्लॉटर हाउस को लेकर के आवाज उठाई जा रही थी, इन आवाजों को बंद कर दिया जाए अन्यथा इनके ईडी हत्या जो करने की बात आ रही है। इसके साथ ही तो लेटर में एक जो मेन बात कही जा रही है कि जो ADG SPF जो है अमिताभ यस, जिनके द्वारा लगातार इस मामले में उमेश पाल हत्याकांड के मामले में लगातार निगरानी की जा रही है और उनकी टीम लगातार काम भी कर रही है और मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को जेल भी किया जा चुका है, उनका नाम इस लेटर में शामिल किया गया। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो लेटर अब वायरल हुआ, क्योंकि लेटर 20 तारीख का दिखाया जा रहा है, तो 20 तारीख के लेटर में जो इनके द्वारा रंगदारी मांगने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी इसमें कुछ खास ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस का इस
इस मामले में साफ तौर से कहना है कि इस मामले में कोई भी शिकायत अभी तक देवेंद्र तिवारी के द्वारा पुलिस से नहीं की गई है। और जो देवेंद्र तिवारी है वो लगातार कई बार जनर मांगने की भी बात सामने आ रही है, जो पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि इनके द्वारा कई बार जनर भी मांगने की बात कही जाएगी। लेकिन ये जो लेटर वायरल हुआ है इसको भी गंभीरता से पुलिस ने लिया है। फिलहाल जो लेटर इनके पास जो पुलिस के पास पहुंचा है वो सोशल मीडिया के जरिए पहुंचा है, जिसको लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है और इस लेटर के मामले की भी तफ्तीश कर रही है। क्योंकि इससे पहले जो लेटर सामने आए थे, जो देवेंद्र तिवारी के द्वारा लेटर दिए गए थे, उन लेटरों की जब जांच की गई थी तो वो लेटर फेक पाए गए थे। क्योंकि इनके द्वारा सभी भेजा हुआ लेटर ले जाया गया था पुलिस के पास, कहा जा रहा था कि पाकिस्तानी के द्वारा धमक किया गया, कभी आई के द्वारा धमकी की बात कही जाती। लेकिन अब जो लेटर आया है वो गुड्डू मुस्लिम के द्वारा है, क्योंकि उसमें दो बातों का जिक्र किया गया, गुड्डू मुस्लिम और फाजी यानी कि अतीक की पत्नी। क्योंकि उसमें कहा गया है कि उनके शौहर यानी कि अतीक और उनके देवर अतरक की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी वो लोग जिंदा है जो फाजी है और गुड्डू मुस्लिम, वो लोग अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आएंगे जब तक वो एक बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे देंगे। लेकिन इस लेटर को जो गंभीरता से इसलिए भी लिया जाना चाहिए क्योंकि इसमें गुड्डू मुस्लिम के नाम का जिक्र है, जो मोस्ट वांटेड 5 लाख का इनामी है, जिसने बड़ी घटना को अंजाम भी दिया गया और ये संभाजी के नाम से जाना भी जाता है। कलीम, सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि आखिर एसटीएफ के आगे की क्या कुछ कार्यवाही रहेगी, क्योंकि लगातार उमेश पाल के हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। देखिए, इस मामले में जो एसटीएफ का कहना है कि एसटीएफ लगातार छापेमारी कर रही है, चाहे कौशाम्बी की बात की जाए, सहारनपुर की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए या फिर लखनऊ की बात की जाए, कई जगहों पर एसटीएफ की छापेमारी चल रही है। बीच में अभी कई मैसेज भी ऐसे वायरल हुए थे जिसमें बताया जाता कि गुड्डू मुस्लिम पुलिस और एसटीएफ की गिरफ्त में, लेकिन एसटीएफ ने अपना बयान जारी किया था कि सभी मैसेज फेक है और उनकी तलाश में टीमें लगी हुई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार भी करेगी। लेकिन अभी इसी बीच जो एक मैसेज वायरल हुआ था और कयास लगाया जा रहा था कि गुड्डू मुस्लिम जो है शाइस्ता परवीन के साथ है और उनसे कवर दे रहा है। फिलहाल शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम दोनों ही फरार हैं, जिसको लेकर कयास कई लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक साथ हैं और पूरी सुरक्षा के साथ ये लोग फरार हैं और पुलिस को भी चकमा देने में कहीं पर भी पीछे नहीं हट रहे। लेकिन जो अब लेटर जो सामने आया है, ये इस लेटर की भी जो कितनी सच्चाई है, क्योंकि अब इस मामले में कहीं ना कहीं एसटीएफ भी इन्वॉल्व होकर के इस मामले की तफ्तीश पेश करेगी, क्योंकि इसमें अमिताभ व्यस्त का भी जिक्र किया गया है और यूपी के सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया गया है। कहीं ना कहीं इस लेटर के पीछे जो जांच होगी, जांच के बाद क्या कुछ सामने आएगा, या फिर जो गुड्डू मुस्लिम अभी तक फरार है, क्या उस तक भी एसटीएफ पहुंचेगी, क्या गुड्डू मुस्लिम खुद को सरेंडर करेगा या फिर एसटीएफ के हाथ लगेगा, क्योंकि शाइस्ता परवीन के कयास लगाए जा रहे थे कि ये इसके द्वारा कई बार सरेंडर करने की बात भी सामने आ रही थी, लेकिन शाइस्ता परवीन ने ना तो अब तक सरेंडर किया है ना ही पुलिस के हाथ आई है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद कलीम। तो आज के लिए 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।